अब है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बारी, जानिए कब कहां और कैसे फ्री में देखें मैच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट। टीम इंडिया ने आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को मात दी और आठवीं बार एशिया की चैंपियन बन गई। तो अब टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलना। इस सीरीज की शुरुआत कब होगी, कहां कहां पर मुकाबले खेले जाएंगे और कैसे इस पूरी की पूरी सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और लाइव स्कोर जो है वो सबसे तेज और सबसे पहले जानना चाहते हैं तो क्रिक रॉकेट की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के नाम में ही सिर्फ रॉकेट नहीं है, ये काम भी बिल्कुल रॉकेट की तरह करती है और आपके दोस्तों के मोबाइल फोन्स में जो क्रिकेट के लाइव स्कोर की एप्स हैं उससे ये काफी ज्यादा तेज है। ये दो गेंद पहले ही आपको लाइव स्कोर बता देगी। तो ऐसे में अगर आप सबसे आगे रहना चाहते हैं तो क्रिक रॉकेट की ऐप को अभी फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे, अब है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बारी, कब कहां और कैसे बिल्कुल फ्री में देखें मुकाबले। देखिए, अब टीम इंडिया का अगला मिशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलना है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज की शुरुआत जो है वो 22 सितंबर से होने वाली है और 22 सितंबर को इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा और ये मैच खेला जाएगा मोहाली के मैदान पर। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के दूसरे वनडे मैच की। तो दूसरा वनडे मैच जो है वो होगा 24 सितंबर को इंदौर के मैदान पर। तो तीसरा और आखिरी वनडे मैच जो है वो खेला जाएगा राजकोट के मैदान पर 27 सितंबर को। तो ऐसे में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मुकाबला 22 सितंबर को होगा, दूसरा मुकाबला जो है वो 24 सितंबर को होगा और तीसरा मुकाबला होगा 27 सितंबर को। चलिए, ये तो बात हो गई कि सीरीज का शेड्यूल जो है वो किस तरह का है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में कैसे देख सकते हैं। देखिए, ये सीरीज जो है वो पूरी तरह से फ्री में देखी जा सकती है जियो सिनेमाज पर। जी हां, जियो सिनेमा पर इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट होगा और आप बिल्कुल फ्री में इस पूरी की पूरी सीरीज का आनंद उठा सकते हैं, इस पूरी की पूरी सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई मोबाइल की, लेकिन अगर आप टीवी पर इस सीरीज का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 पर आप इस सीरीज के तीनों मुकाबले जो हैं वो देख सकते हैं। और देखिए, अब टीम इंडिया का अगला मिशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलना है और इस सीरीज का वर्ल्ड कप से पहले होना कई मायनों में खास है क्योंकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ टीम इंडिया तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलना चाहती है ताकि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर सके और ज्यादा पुख्ता कर सके। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। दो बड़े खिलाड़ी जो हैं वो टीम से बाहर हैं, जिसमें ट्रेविस हेड हैं और एस्टन एगर हैं। हालांकि टीम इंडिया का अभी तक इस सीरीज के लिए ऐलान नहीं हुआ है, यह भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज को मोबाइल और टीवी पर देख सकते हैं। मुकाबले जो हैं वो सभी डे नाइट मैच होंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।